हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए इश्तराक में शामिल है नया एरियल, अब डबल एक्शन फॉर्मूला के साथ नई शानदार पैकेजिंग में। करनो पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोंस्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या? शरीफ खानदान के केसेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुतासिर कर रहे हैं। फौजी अदालतों को मौका तो दे दिया गया लेकिन अहमियत नहीं दी जा सकी। आर्मी चीफ के खत के बाद अब वजारत दाखिला सारे के सारे केसेस एक साथ फौजी अदालतों को भेज रही है। कराची की किस्मत का फैसला दुबई में हो रहा है। मुत्तहिदा के तमाम धड़े मुतहर्रिक हैं। शहर कायद के वोट बैंक के लिए ज्वाइंट अकाउंट खोलने की तैयारियां हो रही हैं। पीपल्स पार्टी 4 साल खामोश रही, अब अवामी मसाइल उजागर कर रही है। वोटर्स को कायल करने के लिए सियासी फॉर्मूले पर अमल हो रहा है। सारा एक्शन अगले इलेक्शन से जुड़ा है। और मिशाल खान की भूली बसरी कहानी खैबर पख्तूनख्वा के लिए टेस्ट केस है। बड़े लोगों के बड़े वादे वफा ना हो सके, मजबूर बाप दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ और विद नाजिया और मैं हूं नाजिया आशर। फौजी अदालतों का कयाम और उसके बाद फिर तौसी हुकूमत के लिए आसान फैसला नहीं था। हुकूमत ने ना चाहते हुए भी फौजी अदालतों को तौसी दी, लेकिन अब ये भी एक हकीकत है कि फौजी अदालतें अपनी तौसी के बाद से हुकूमती तरजीहात में शामिल नहीं रहीं, जिसकी सबसे बड़ी वजह शरीफ खानदान के खिलाफ नैब केसेस हैं। नून लीग मुसलसल इन केसेस में फंसी रही है और उसके अपने अंदर जो पार्टी के अख्तिलाफात हैं वो भी हैं और कौमी मामलात इन तमाम मसाइल की भेंट चढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको इस साल जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियां मिली हैं उसकी तफसीलात बताते हैं, जो कि आज ही नेक्टा ने जारी की हैं। ये आदाद शुमार देखें तो इससे साफ अंदाज़ा होता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स थी इनका क़याम और फिर जो तौसी हुई, तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनका क्या किरदार रहा है, इस मुख्तसर सी रिपोर्ट में देखिए। रिपोर्ट आपने देखी, ये वो अदाद शुमार हैं और ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है इसमें मिलिट्री कोर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंट रही हैं। लेकिन इस अहम किरदार के बावजूद जो काम होना चाहिए था पिछले 10 महीनों के दौरान वो नहीं नजर आया। हुकूमत ने एक भी केस फौजी अदालत को नहीं भेजा है, जिसकी निशानदेही हाल ही में आर्मी चीफ ने कराई और उन्होंने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को एक खत लिखा और उस खत में ये बताया कि वजारत दाखिला ने जनवरी से लेकर अब तक कोई भी एक केस फौजी अदालतों को नहीं भेजा। जनवरी में फौजी अदालतों की मुद्दत पूरी हुई थी और फिर कौमी असेंबली ने उसकी जो मजीद 2 साल तौसी थी उसकी मंजूरी दे दी थी। सेनेट में हमने देखा कि ये मामला कुछ दिन के लिए जेरे इल्तिवा रहा, लेकिन फिर मार्च में वहां से भी फौजी अदालतों की तौसी की हतमी मंजूरी दी गई। उस वक्त फौजी अदालतों के क्याम का जवाब क्या पेश किया गया था और सियासी जमातों ने उस पर कैसे समझौता कर लिया था, इस पर भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर बात होगी। तो ये जो फौजी अदालतों की रिपोर्ट है ये आपको हम दिखाएंगे, लेकिन मार्च में फौजी अदालतों की जो तौसी थी इसकी हतमी मंजूरी मिली थी, फिर भी पिछले 10 महीने के दौरान कोई एक केस भी
फौजी अदालतों में नहीं भेजा जा सका है, जिससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर हुकूमत की जो तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि अस्करी जितनी कार्रवाइयाँ होनी थी, जो सिक्योरिटी एजेंसीज की कार्रवाइयाँ थी वो तो हो रही हैं, लेकिन जो हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए, जो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होना चाहिए, वो किस हद तक हुआ है। इसका जिक्र कुछ देर पहले पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी किया था, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में क्या कहा था आपको ये सुनवाते हैं। आर्मी चीफ वजीर आजम शायद हकान अतासी को खत लिखते हैं और खत में कहते हैं कि जनवरी 2017 से लेकर आज तक आपने एक केस नहीं भेजा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने का एक केस नहीं भेजा। सारी हुकूमत की तवज्जो आज पाकिस्तान के मसाइल की तरफ नहीं है, इनकी तवज्जो सिर्फ अपनी कुर्सी, अपना इख्तदार और अपनी दौलत बचाने के लिए है। शाह महमूद कुरैशी की ये राय अपनी जगह अलबत्ता आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने जो खत लिखा उसमें इस किस्म की तो कोई बात नहीं थी। उन्होंने हुकूमती काविशों को सराहा है और ये लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान को लेकर संजीदा है, और अब इस खत के बाद ये संजीदगी हकीकी तौर पर दिखाई भी दे रही है। इस खत पर वजीर आजम ने फौरी नोटिस लेकर वजारत दाखिला से रिपोर्ट भी तलब की, लेकिन वो जो रिपोर्ट आपको दिखानी थी, और रिपोर्ट इस सिलसिले में ये दिखानी है कि जो भी कार्रवाई की गई थी फौजी अदालतों की तौसी से मुतालिक, सियासी जमातें जितनी रिलक्टेंट थी लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या जवाब पेश किया, और उस जवाब के साथ साथ क्यों समझौता किया गया, इस पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दहशतगर्दी से मुतालिक मुकदमात की तवील समातें, पुलिस की नाकिस तफ्तीश, गवाहों की सिक्योरिटी, इंतहा पसंदी से मुतालिक केसेस में खौफ का पहलू, ये वो अवामिल हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील और तौसी का बाइस बने हैं, और हर बार सियासतदानों को ना चाहते हुए भी मिलिट्री कोर्ट्स की मंजूरी देनी पड़ी। लेकिन शायद जितना शर्मिंदा मैं आज हूँ शायद इससे पहले मैं नहीं था। ये वोट पार्टी की अमानत थी, जो अमानत मैंने पूरी की, आइंदा का लाइन ऊपर है, मैंने आज अपने जमीर के खिलाफ। मिलिट्री कोर्ट्स में तौसी को कौमी मफाद में समझौते का नाम दिया जाता है, हर बार हुकूमत सिविल अदालतों के निजाम में बेहतरी और पुलिस इस्लाहात का वादा तो करती है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। गैर संजीदगी का यही हाल रहा तो मिलिट्री कोर्ट्स पर 2019 में भी नए ऐवान को पुराना समझौता ही करना होगा। तो ये गैर संजीदगी 10 माह तक जारी रही कि कोई केस ना भेजा गया, लेकिन अब केसेस भेजे गए हैं। इसी हफ्ते वजीर आजम हाउस की जानिब से 29 ऐसे केसेस हैं जो कि मिलिट्री कोर्ट्स को भिजवाने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि मजीद 80 केसेस वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी के बाद भिजवा दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इस तमाम एक्शन के लिए आर्मी चीफ को याद दहानी कराना ही क्यों पड़ी, क्यों आर्मी चीफ के खत के बाद ये तमाम तर एक्शन हुआ, और पहले ही हुकूमत ने ये केसेस फौजी अदालत को क्यों नहीं भिजवा दिए। क्या इससे अब ये समझा जाए कि हुकूमत पैनामा केसेस में जो नैप के से मुतालिक जो रेफरेंसेस हैं उस पर उलझ कर मुल्की मामलात और सलामती मामलात को नज़रअंदाज कर रही है, तो इस पर अब हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ दिफाई तज़ियाकार, डिफेंस एनालिस्ट है मोहतरम शाहिद लतीफ़ साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब आपका। ये कहिएगा कि इस वक्त जाहिर है मुल्क के अंदर सियासी कशमकश है, हुकूमत नैप केसेस में बहुत बुरी तरीके से उलझी हुई भी है, हुकूमती मशीनरी शायद इंतजामी मामलात पर तवज्जो उस तरह से नहीं दे पा रही जिस तरह से देनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक भी ना चाहते हुए भी उसको बहाल किया गया था, लेकिन 10 माह के बाद अब 29 केसेस तो भेजे गए हैं और मजीद 80 भेजे जाएंगे, आपको इस ताखिर की बुनियादी पहली बात तो ये कि मिलिट्री कोर्ट्स जब बनाए गए उसकी जो बैकग्राउंड है हमें वो मद्देनजर रखनी चाहिए। इस पर इत्तफाक था सब लोगों का, खासकर सियासी पार्टीज़ का, कि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो सही तरह से फैसले नहीं कर पा रहे, और ख़ासकर दहशतगर्दी जिस तरह मुल्क में ज़ोरों पर थी, ये फैसला किया गया कि दहशतगर्दी के जो मुलजमान हैं उनको सही तरह से सज़ाएं नहीं दी जा रही, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मरतबा ये कहकर किया था कि वो इसलिए सज़ाएँ नहीं दे पाते कि हमारे जो ख़ासकर कानून शहादत हैं उनके अंदर सुखम है, तो ये हमारी जो मुकन्नना है उसने उन कवानीन में तरमीम करना थी, तो वो तो हम ना कर पाए।
अदालतों की इस्लाहात का भी जिक्र किया गया, वो आज तक हम इस्लाहात नहीं कर पाए। तो मिलिट्री कोर्ट्स पहले 2 साल चले, फिर उनको मजीद मोहलत दी गई, क्योंकि हम अभी तैयार नहीं थे मिलिट्री कोर्ट्स का की जो जिम्मेदारी है वो अपनी आम अदलिया को देने के लिए। तो इस दौरान भी अगर आप फिर से उस वक्त के जो हालात वाक़ियात हैं उन पर नज़र डालें, तो मैं समझता हूँ कि उसमें भी एक सुखम एक और रह गया था कि हमने ये कहा कि सिर्फ जो मजहबी दहशतगर्दी है जी, वो वाले केसेस जो हैं वो सुप कोर्ट्स के मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए जाएंगे। मैं हमेशा से ये कहता आया कि दहशतगर्दी जो है वो तो दहशतगर्दी है, वो मजहबी हो या कोई किसी और तरह की दहशतगर्दी हो। कराची की दहशतगर्दी हमें मालूम है कि वो मजहबी नहीं थी, वो अगवा बराए तवान और भत्ताखोरी और लैंड माफिया और न जाने किस किस तरह की दहशतगर्दी थी। तो मैं समझता हूँ कि एक तो सुखम ये रह गया कि हमें दहशतगर्दी जो संगीन किस्म की थी वो सारे केसेस मिलिट्री कोर्ट्स को दे, मगर हमने जो पास किया कानून उसके अंदर सिर्फ मजहबी दहशतगर्दी का नाम लिया। ठीक है, तो शाहिद साहब, आपने आपने बड़े फैक्टर्स बताए, जो आपने फैक्टर्स बताए हैं उसमें फौजी अदालतों को तौसी जब दी जा रही थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा खदशात थे, जाहिर हुकूमत भी रिलक्टेंट थी, बड़े सख्त बयानात उस वक्त तो दिए गए, और जमहूरी इकदार के लिहाज से अगर हम बात करें तो किसी हद तक पीपल्स पार्टी का जो मौकफ था वो दुरुस्त था। लेकिन या तो ये जो एक्सटेंशन थी ये दी नहीं जानी थी, और अगर दे ही दी गई थी तो फिर उन केसेस को भेज देना चाहिए, काम तो होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि काम ना करने देने की बुनियादी वजह क्या है? फिर यही वजह है ना कि जिसके तहत फिर आर्मी चीफ को खत लिखना पड़ा कि जी आपने कोई जनवरी में चंद केसेस हमारे पास भिजवाए थे, उसके बाद कोई दहशतगर्दी का केस जो है हमारे पास नहीं आया। यानी एक तरह से हुकूमत को जगाना पड़ा जी, कि मिलिट्री कोर्ट्स आपने बनाए थे, उनकी मुद्दत जो है उसमें तौसी भी कर दी गई, अब फिर से मुद्दत उसकी ख़त्म होने को आ गई आएगी, तो फिर हम क्या करेंगे? इस दौरान क्या आपने इस्लाहात की? क्या हमारी जो अदालतें हैं वो अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं? और इस दौरान जो दहशतगर्दी के केसेस हैं वो आना बंद क्यों कर दिए गए? तो इसमें बहुत सारे सवाल हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब दोबारा इसका जिक्र किया गया है तो शायद हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी निशानदेही की गई है कि कोई 20 से चंद कुछ ज़्यादा केसेस हैं वो भी उन तक भेजे जाएंगे, वो भी सवाल पूछने पर जवाब दिया गया है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि दहशतगर्दी को ख़ासकर हमारी जो सिविल इंतज़ामिया है उसने वो तरजीह नहीं दी जो देना चाहिए थी, और जो कुछ आज तक हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस्टेब्लिशमेंट ने किया वो उसी पर इक्तफा कर रहे हैं, और उसका क्रेडिट ले रही है हुकूमत कि देखें हमने दहशतगर्दी का सफाया कर दिया। तो अभी तक जो ऑपरेशंस हैं वो तो प्योरली मिलिट्री ऑपरेशंस थे, तो मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो दहशतगर्दी का सफाया हमेशा के लिए नहीं कर सकते। मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ जाहिर है हमने देखा ने भी अपना काम करना साल तक अफगानिस्तान में बैठा रहा। अब आर्मी चीफ के खत पर बहरहाल एक्शन तो लिया गया, लेकिन एक और अहम पहलू है इसके अंदर। अचानक से ये 29 केसेस तो भेज दिए गए जा रहे हैं, अगले हफ्ते मजीद केसेस भेजे जाएंगे, काबीना का इजलास होगा, कुल 109 केसेस का फौजी अदालतों में अचानक से चला जाना, जाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स पर भी एकदम से काम का दबाव बढ़ेगा। तो ये जो 10 महीने का जो गैप आया है ये क्यों आया था? कोई खास स्ट्रैटेजी थी कि 10 महीने के बाद जब उनसे पूछा गया है तो उन्होंने जवाब दिया है कि सारे के सारे केसेस इकट्ठे किए और भिजवा दिए कि अब आप इसको हल करते रहें? देखें ऐसी बात नहीं है कि दबाव बढ़ेगा, मिलिट्री का एक सिस्टम है, बड़े केसे वहाँ काम होता है, और मिलिट्री कोर्ट्स बनाने का मकसद भी यही था कि तेजी से वहाँ फैसले किए जाएं। गो सारे जो लवाजमात हैं जो मुलजमान हैं उनको बाकायदा तहफ़ हासिल है, वो अपना दिफा पूरे तरीके से करते हैं, मगर वो एक तेजी और एक ऑर्गेनाइज तरीके से उन केसेस को डील किया जाता है। हमारी आम तौर पे सिविल अदालतें हैं वहां तो केसेस को लंबा किया जाता है, हमें मालूम है कि साल हर साल केसेस चलते हैं और उनके नतायज बरामद नहीं होते। तो मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसा नहीं होता, जल्दी से केसेस को निपटाया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि जहां तक वर्कलोड का ताल्लुक है उसमें कोई ऐसी हमें कोई खतरे की बात नजर आती है, मगर मैं ये समझता हूं कि हुकूमत के जुम्मे जो काम थे, और दहशतगर्दी जिसको हमने कहा मुल्क का नंबर एक मसला है,
लिहाजा उस सिलसिले में खासकर हमारी जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके तहत हमने कुछ इस्लाहात करना थी, खासकर मदरसों की इस्लाहात का जिक्र हमने किया था, फिर हुकूमत ने एक बयानिया तैयार करना था क्योंकि ये एक नजरियाती मामला है और जब तक हम बयानिए के जरिए दहशतगर्दी की जड़ तक नहीं पहुंचते, दहशतगर्दी को सिर्फ ताकत के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो नजरियाती जंग की आप बात करें, हुकूमत के जिम्मे जो काम थे वो कितने हुए? अस्करी कार्रवाइयां तो होती भी नजर आई, सिक्योरिटी एजेंसीज को जो काम करने थे वो तो उन्होंने किए। मजमूई तौर पर नेशनल एक्शन प्लान देखें, 20 निकात हैं और हुकूमत ने कितनी संजीदगी से इस पर काम किया है, खासतौर पर ये जो पनामा केसेस हैं इसके बाद से आपने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान पर आपकी नॉलेज में किस तरह की वजह है ना कि हुकूमत चूंकि इस वक्त हद तक उलझ गई कि उनके जुम्मे जो बाकी काम थे वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर पनामा का भी मामला आया तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे वुजरा और सारे महकमे अपना काम करना छोड़ दें, खासकर वजीर दाखिला जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है दहशतगर्दी के साथ। और जब फौज ने अपने ऑपरेशंस किए, खासकर ज़र्ब अज़ब कर लिया, उसके बाद उनको रद्दुल फसाद करने की जरूरत पेश नहीं आना चाहिए थी, वो मजबूरी के तहत उन्हें यह करना पड़ा क्योंकि ये जो दहशतगर्द वहां से भागे नॉर्थ वजीरिस्तान से, उन्होंने मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर छुपकर अपने स्लीपर सेल्स बना लिए। लिहाजा फौज से बार बार ये कहा जाता रहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत अब जो सिविल इदारे हैं वो अपना काम करें, उसमें खासकर पुलिस, फिर आईबी, एफआईए, ये इनके काम थे, मगर वो चूंकि उन्होंने नहीं किए लिहाजा फौज को फिर से रद्दुल फसाद करना पड़ा। और आजकल आप देखिए कि वो सेकेंड ऑपरेशन जो है वो बाकायदा फौज उसमें पूरी तरह इस वक्त इन्वॉल्व हो चुकी है, जबकि ये सिविल इदारों के काम थे। आज भी मैं ये समझता हूं कि सिविल इदारे अगर अपनी जिम्मेदारी संभालें तो फौज जिसका असल काम हमारी सरहदों पर है उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए ताकि वापस वो अपनी ड्यूटी पर जाएं, मगर उनको ये काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब, दिफाई तजियाकार हमारे हमरा, और डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो तरजीहात हैं हुकूमत की वो नज़र नहीं आती मुल्की और कौमी मामलात के अंदर, जिसकी एक बड़ी मिसाल फौजी अदालतों से मुतालिक जो केसेस भिजवाने थे वो ना भिजवाए जा सके, और अब जबकि आर्मी चीफ का खत आया उसके बाद आज केसेस भिजवाने पर बात हुई और काबीना का इजलास होगा, मजीद केसेस भिजवा दिए जाएंगे। कुछ और अहम खबरें हैं जिस पर बात करनी है आपसे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, कीप वॉचिंग न्यूज़ आर विद नाजिया। हमारे पास जो भी इख्तियारात थे, जो भी वसाइल थे, हमने अवाम को डिलीवर नहीं किया, यही पार्टी छोड़ने की वजह है। अरशद वोरा भाई परेशान, हमारे अच्छे साथी हैं, मैं तो आज भी वो उनकी परेशानियों को दूर। वी ओन कराची, और अरशद वोरा हर किस्म की तहकीकात के लिए हाजिर। एजेंडा पूरा होने दे। कराची की सियासत और इसमें बड़ी हलचल पूरे हफ्ते ही रही है, शदीद बहरान का शिकार हैं सियासी जमातें, जिसकी वजह पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी जानिब से बड़ी पेशगोइयां की गई एमक्यूएम से मुताल्लिक़ के इस हफ्ते में। पहले सबसे मंजूर वसान साहब की जानिब से एक पेशगोई सामने आई और उन्होंने ये कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये जमात ख़त्म हो जाएगी और इसके जो तमाम धड़े हैं इनको मिलाकर कोई नया सेटअप तश्कील देने की बात की जा रही है, जिसकी सरबराही दुबई से होगी। तो ये प्रेडिक्शन थी, और इसके जो नए सेटअप को लेकर और सरबराही के लिए मुख्तलिफ नामों का अंदाज़ा लगाया जा रहा था, तो उसके अंदर साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ जो कि दुबई में मुकीम है, साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान का नाम एक लंबे अरसे से दुबई के अंदर बैठे हुए हैं, फिर इस पेशगोई के बाद अचानक से मुस्तफ़ा कमाल साहब वो दुबई चले गए, और बड़ा मुश्किल हो रहा था इस बात का अंदाज़ा लगाना कि मंसूर वसान आखिर किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं। अब आखिरकार पीपल्स पार्टी के ही नबील गबूल की जानिब से इस मुश्किल को आसान किया गया और उन्होंने एक नाम दिया, वो नाम दिया परवेज़ मुशर्रफ का। इंकशाफ ये किया कि मुशर्रफ साहब एमक्यूएम के धड़ों को मिलाकर एक नई जमात बनाने की कोशिश में हैं, जिसका नाम भी उन्होंने मुमकिन तौर पर बताया कि पाकिस्तान कौमी मूवमेंट रखा जा सकता है। अलबत्ता फारूक सत्तार इस तरह की जो इतलात हैं उसकी तस्दीक करने को कतन तैयार नहीं थे, और पिछले एक हफ्ते के दौरान जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान पर एक के बाद एक मुश्किल आई है, हमाद सिद्दीकी की दुबई से गिरफ्तारी, फिर उसके मुतालिक इतलात के काफ़ी अरसे से कानून नाफिज करने वाले जो इदारे थे उसकी तहवील में थे वो, फिर डिप्टी मेयर कराची अरशद वोरा पीएसपी के हो गए, जिसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने मेयर कराची के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने का इशारा दिया। सिटी काउंसिल का इजलास, और इस इजलास में वसीम अख्तर को मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा,
फिर एमक्यूएम पाकिस्तान को मजार कायद के सामने जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन फिर आखिरकार लियाकत आबाद में कल वो लोग जलसा करने जा रहे हैं। तो ये जो एक के बाद एक वाकयात हो रहे हैं, इससे लग ही रहा था कि पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी तमाम तरह प्रेडिक्शंस में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं शायद कोई सदाकत है या अंदरून खाना कोई बात चल रही है, क्योंकि इशरतुल इबाद एक लंबे अरसे से दुबई में बैठे हैं और खामोश रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब काफ़ी दिन से दुबई में हैं और एमक्यूएम हकीकी भी अचानक से मुतारिक हुई है। आफाक अहमद इस वक्त हैदराबाद के जलसे के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। तो क्या ये जो तमाम तर फुर्तियाँ हैं इसके पीछे कोई नया सेटअप आता हुआ दिखाई दे रहा है और पीएसपी की क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पीएसपी के रहनुमा वसीम आपा। शुक्रिया वसीम आफ्ताब साहब आपका। ये जो इतनी अफवाहें हैं, इतनी कयास आराइयाँ हैं, आखिर हो क्या रहा है? हम शुरू दुबई से कर लेते हैं, ये दुबई से मुतालिक क्या इतलात है? एक्चुअल में हमारे मुल्क की बदकस्मती है कि एक तो हमारे मुल्क में टैक्स ना देने का रिवाज काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो मेरी एक राय है कि अगर हमारे यहाँ जो तज़ी और तबसरे होते हैं और पेशन वही हैं जो लोग करते हैं, पर अगर थोड़ा टैक्स लगा दिया जाए कि अगर सही बात, अगर आपने गलत बात की जितना टैक्स देना होगा, तो मेरे ख्याल में ये सारे तज़ी और सारी पेशन गोइयाँ उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। हो ये रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जिनके पास करने को कुछ नहीं होता वो इस तरह की बातें करते हैं। देखिए दुबई में वो दुबई में बातें तो सिर्फ नहीं है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ भी तो नज़र आ रही हैं, कुछ पुरासरार सी एक्टिविटीज़ हैं, खुफिया मुलाकातें हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चूँकि जो लोग ये बातें कर रहे होते हैं वो कहीं फिल्म में खुद कहीं उनका कोई रोल नहीं है, तो ये होता है ना कि वो तज़िये करना अगर उनके पास अगर ये भी ना रहे। चले हम तज़ियों में और बातों पे नहीं जाते, मुशरफ साहब के साथ रابطे में हैं आप लोग? नहीं, हम लोग कोई रابطे में नहीं। देखिए मुशरफ साहब बेशक एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के आर्मी के सरबराह रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, लेकिन वो टाइम गुजर चुका है, उनकी कमर में दर्द है, बेहतर ही आराम करें। इस तरह की चीज़ों में कहीं कोई उनका रोल नहीं है, बस मैं इतना कहना। फारूक सत्तार साहब बात कर रहे थे कुछ देर पहले ही, तो उन्होंने इस बात का बताया, ये इजहार किया कि मुशरफ साहब ने 2016 में कांटेक्ट किया था नई पार्टी का सेटअप बनाने के लिए। क्या आप लोगों से किसी किस्म का कोई कांटेक्ट किया गया? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना फारूक सत्तार भाई तो चूंकि एक जवाल पजीर पार्टी जो तेजी के साथ लोग मुंतशिर हो रहे हैं वहाँ पे, हो सकता है उनके किया हो बिल्कुल, और चूंकि पास लीडरशिप का फुकदान है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का लीडर मौजूद है, मुस्तफ़ा कमाल उसका लीडर है, उसके प्रेसिडेंट अनीस कायम खानी है। हमारे अंदर कोई लीडरशिप का वैक्यूम नहीं है, जहाँ लीडरशिप का वैक्यूम है वहाँ हो सकता है परवेज मुशर्रफ साहब उनको लाइक कर रहे हों, उनके लिए जगह बन रही हो तो वहाँ कर सकते हैं, हमारे पास तो ऐसी कोई सूरत है। अगर कोई नया सेटअप बनता है तो क्या पीएसपी उसका हिस्सा बनेगी? किस तरह का सेटअप? ये जो सारा ये जो चैमगोयां है, ये जो हलचल है, तो मैंने कहा ना टैक्स लगाएं तो खुद ब खुद ये चैमगोयां कम हो जाएंगी। आप इस पर आप कोई कमेंट नहीं? नहीं मैंने कहा ये सारी फजूल बातें, ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं फजूल, मतलब नहीं कि आप एक सीधी सी बात है, ये पार्टी पास जमीन पार्टी हमने हमारी पार्टी है, इसको हम कामयाब करें, फिर मुशरफ साहब जो बाहर बैठे हुए हैं आराम कर रहे हैं उनसे ये कहेंगे आप पार्टी आके संभालें, तो हम इसका मतलब इस काबिल नहीं थे भाई। पार्टी हमने कामयाब कर ली है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन सारी जमातें, 2018 में सीएम हमारा होगा, 2023 के इलेक्शन में मुस्तफ़ा कमाल इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। बड़े वसूख से आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी ग्राउंड्स क्या हैं, किन बुनियादों पर ये बात की जा रही है, आपकी स्ट्रेंथ है क्या कराची में इस वक्त? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी जमात ज़रूर नहीं है, लेकिन हम में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं है जिसके पास 30-32 साल का तजुर्बा ना हो। और जब हम लोग आए थे तो साफ़ियों ने ये कहा था कि इस घर से निकलोगे कैसे, मुस्तफ़ाई से सवाल करते थे साफ़ी, अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ आवाज़ तो लगा दी, इस घर से निकलोगे कैसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अंदर फारूक भाई जब ये कहते थे कुछ दिनों पहले कि ये तो इररिलेवेंट लोग हैं, आज वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि ये जो इन्होंने हमारा माजिर वोट बैंक तकसीम कर दिया, सबसे ज्यादा माजरों को नुकसान हमारी वजह, तो ये हमारी कामयाबी है। वोट बैंक तकसीम करने की तो शायद उन्होंने बात की हो, लेकिन आज उन्होंने बड़ी एक अहम बात की है, वो ये बात उन्होंने ये की है कि जितने लोग गए हैं उससे ज्यादा लोग वापस आएंगे। अच्छा फारूक भाई की देखें मैं बताऊँ, फारूक भाई बेचारे काफ़ी दिनों से परेशान हैं, पिछले दिनों क्रिकेट मैच खेलते हुए फारूक भाई गिर गए थे, फारूक भाई को डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप आराम कीजिए, तो ना तो फारूक भाई जहनी आराम कर रहे हैं ना जिस्मानी आराम कर रहे हैं, और इस तरह की बातें करके बाकायदा लगता, मैं भी मेरा भी मशवरा ये कि फारूक भाई आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आराम कर लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फारूक भाई की बातें दो तीन हजरात से मिलती जुलती हैं, वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं,
कि अभी जैसे आज उन्होंने सही बात ये बात कही होगी, कल लोगों का धाम होगा, शहर में तिल रखने की जगह नहीं होगी, और आज ही आलम है कि मैं भी आ रहा हूँ तो शहर सन्नाटा पड़ा हुआ, कहीं कोई पता भी नहीं चला कि एमक्यूएम कल कोई प्रोग्राम नहीं कर रहा। आप उनकी परेशानी की बात कर रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब परेशान है, एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबरा परेशान है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अरशद वोरा परेशान थे, उन पर FIA के जो केसेस थे FIA की वजह से, परेशानी की वजह से वो गए हैं यहाँ पर। क्या कोई डील हुई थी इस तरह की कि PSP में जाएंगे और सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे? एक्चुअल में ये बड़ी अच्छी बात फारूक भाई ने की है, मैं बता दूँ डील कब हुई थी। 22 अगस्त को फारूक भाई प्रेस क्लब पे बैठे हुए थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया के सारे दोस्तों ने बताया, फारूक भाई अल्ताफ हुसैन को क्या कह रहे थे, जी भाई तो कह रहे थे, क्यों हमेशा से जी भाई करते हैं, वो भी अल्ताफ हुसैन के साथ ये कह रहे थे कि भाई हमारा भी दिल नहीं चाहता पाकिस्तान जिंदाबाद कहने को, और ये बात कई दिनों से कह रहे थे वो। फिर शाम को अचानक एक ठाकुर आता है और वो ठाकुर फारूक भाई को मीडिया के सामने लेके जाता है, 5 बजे तक फारूक भाई पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, और सुबह जब आते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद और DG रेंजर जिंदाबाद, तो डील तो वहाँ हुई है, प्रेशर तो वो था जिसको सस्टेन नहीं कर सके। अब तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं, हमारा तो प्रेसिडेंट 4 महीने जेल में रहकर आया है, बेल हुई है उनकी। फिर आप लोगों के लिए ये क्यों कहा जाता है कि जो भी PSP में जाता है वो पाक साफ हो जाता है, जो भी जाता है वो धुल कर निखर कर आ जाता है? वैसे मैं मतलब हमको, हम तो ये कहते हैं कि भाई पाक साफ होना तो अच्छी बात है, सफाई निफ्स ईमान है, तो आधा हमने ईमान कंप्लीट कर दिया, आधा अच्छे काम भी करेंगे तो हो जाएगा। बस भाई ये कि जब कुछ करने को नहीं रहता तो सिर्फ यही बातें हैं, और मैं तो फिर कहूँगा कि फारूक भाई थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि रेस्ट की ज़रूरत है, रोजाना की बुनियाद पर लोग छोड़ के जा रहे हैं, अभी कहते हैं कि एक भी कोई गया तो इन ब्लॉक इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं क्या वो किसी दबाव में नजर आते हैं, किसी प्रेशर में होते हैं जिसकी वजह से वो आप लोगों के पास आ जाते हैं? मैंने दबाव की सबसे बड़ी मिसाल आपको दे दी है, मैंने कहा उससे बड़ा कोई दबाव नहीं था जो 22 अगस्त को फारूक भाई को जो आदमी लेके गया था, सुबह फारूक भाई पाकिस्तान जिंदाबाद और DG रेंजर जिंदाबाद कहते हुए बाहर आए, तो प्रेशर तो उससे बड़ा कोई नहीं है। मीडिया के दोस्तों ने, मीडिया ने दिखाया है, और नहीं हो तो 22 अगस्त की क्लिप उठा के देख लें, शाम में 7 बजे मेरे ख्याल में ठाकुर साहब थे जो लेके गए थे फारूक भाई को, फारूक भाई शाम 5 बजे से पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ ही बातें कर रहे थे, और सुबह आए थे तो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे, तो प्रेशर तो वो था, प्रेशर तो वो था। जिन लोगों ने भी फारूक भाई को समझाया कि नहीं इसमें ही चलने में आपकी बकाया और सलामती है और आपको ये करना है, जिस प्रेशर की या जिस दबाव की बात MQM पाकिस्तान के कारकुनों के लिए, MQM पाकिस्तान के लीडर्स के लिए की जाती है, उस तरह का कोई प्रेशर, उस तरह का कोई दबाव PSP पर है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब इंसान जवाल पजीर हो रहा हो और जवाल के बहुत करीब आ जाए, तो अगर वो एक कामयाब टीम को कोई ऐसे बहाने हीले हुलिए जवाब पेश नहीं करेगा, तो जैसे एक ज़माने में एक हमारे यहाँ के बड़े नामवर पहलवान थे, जब वो हार गए थे तो उन्होंने कहा था यार सामने वाले पहलवान ने मेरी आंखों में उंगली मार दी इस वजह से मैं हार गया, तो मैं समझता हूँ इसी तरह की तावीले हैं। लेकिन उन्होंने चैलेंज किया है, उन्होंने चैलेंज किया है कि आप इलेक्शन लड़ लें और फिर देख लेते हैं कि कौन। अच्छा, मैं तो आपके तवस्सुस से इलेक्शन लड़ लें, आज आपके तवस्सुस से मैं फारूक भाई को चैलेंज उनका एक्सेप्ट करता हूँ, अभी NF 249 से रिजाइन दें और आए। आप उनसे रिजाइन मांग रहे हैं, आपके पास डिप्टी मेयर आता है वो रिजाइन देने को तैयार नहीं होता, कोई अखलाकी जवाब भी होता है? या हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन गया है कि आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएं लेकिन आपने अपनी सीट नहीं छोड़नी? ये बड़ी अच्छी बात की है। अब इस पे मैं चाहूंगा कि आप ईमानदारा तजिए दीजिएगा, MQM किसकी है? अल्ताफ हुसैन की, फारूक सत्तार की? ठीक है, अल्ताफ हुसैन की है ना। मुस्तफा कमाल 3 मार्च को आए, 3 मार्च के फौरी बाद डॉक्टर सगीर इफ्तखार अशफाक मंगी आए, इन्होंने फॉरन रिज़ाइन दिया, बिल्कुल रिज़ाइन दिया, इन्होंने रिज़ाइन दिया और इस पर इलेक्शन हुए, तीनों अफराद जिसमें एक सीट MQM हार गई, 2 सीट पे दो लोग आ गए। हमने तो अपना काम किया ना, आज भी जितने भी लोग आए सबके रेजिग्नेशन असेंबली में जमाए, आप जाके चेक करवा लिए, अगर ना हो तो चोर की सज़ा, वो हमारी सज़ा, वो हम तो स्पीकर नहीं है, रिज़ाइन एक्सेप्ट करना उसकी जिम्मेदारी है, हमने रिज़ाइन सबमिट किए हुए हैं, ये नहीं कर रहे। लेकिन अब मैं आप सवाल आपसे हमारी तरफ, तो अब मेरी बात नहीं आई, हमारी तरफ तो आपकी बिल्कुल बात बजाया कि भाई हमने रिज़ाइन देने चाहिए तो हमने दिए और 3 अफराद के रिज़ाइन एक्सेप्ट भी हो गए। क्या फारूक भाई का फ़र्ज़ नहीं है अखलाकी तौर पे कि भाई आपने भी अल्ताफ हुसैन की पार्टी पे कब्जा कर लिया है, आप भी एक चोर और डाकू ही हैं, तो मुझसे डिमांड करने के बजाय पहले आप तो बिल्कुल अच्छा यही सवाल उनसे भी किया गया। हाँ। क्योंकि जब हम अखलाकी जवाब की बात करते हैं ना, तो वो सवाल सिर्फ आप पे नहीं किया जा रहा, उनसे भी किया गया, उनका अपना जो जवाब था वो था, हम उनकी बात नहीं, वो यही है कि आप दूसरों की बात ना करें, आप खुद कितने तीन अफराद जो अरशद वोरा की बात मैं बता रहा हूँ ना, देखे ना 3 अफराद उस वक्त, ये 22 चूंकि 3 मार्च 22 ये तो 22 अगस्त को इन्होंने बानी से अपना ताल्लुक मुनकता किया, उस वक्त तो सब बानी एक ही थे,
तो 3 अगस्त के से पहले तो हमने रिजाइन जमा करवाए, जितने भी लोग आए सबने उसी के बाद में 3 इलेक्शन हुए, बाय इलेक्शन, तो हमने तो अपना काम पूरा किया। हमारे पर तो उस वक्त कोई मॉरल कोई वो होता बर्डन आता कि भाई हमने ना किया हुआ होता, हमने यहाँ से लोगों को ले जाकर उनकी वफादारियाँ तब्दील करवाई होती और अपना कोई इन ब्लॉक वहाँ पर जाके कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया होता। हमने तो अपना कर लिया, फारूक भाई को तय करना है कि भाई आप दूसरों को तो बात करें, आप खुद कहाँ पे खड़े हैं, आप तो खुद चोर हैं। अच्छा अब ये बताएं कि अरशद वोरा की जब हम बात कर रहे हैं कि वो डिप्टी स्पीकर के ओहदे को नहीं छोड़ना चाहते सिटी काउंसिल के अंदर, क्या डिप्टी मेयर के, तो सिटी काउंसिल के अंदर क्या आप लोगों को वाकई अक्सरियत हासिल है जिसका दावा मुस्तफ़ा कमाल साहब कर रहे हैं, क्योंकि अगला स्टेप जो हमें नज़र आता है वो तो फिर मेयर की सीट नज़र आती है। देखिए बिल्कुल हम ये समझते हैं कि चूँकि अब फारूक सत्तार साहब की तो MKM है नहीं, उन्होंने खुद किसी की पार्टी पर कब्जा किया है, तो पहले तो हमारा मुतालबा ये कि आप रिज़ाइन दीजिए, और आपको बड़ा शौक है इलेक्शन में आने का, तो हमने जिस दिन अरशद वोरा भाई आए थे उसी दिन हमारे प्रेसिडेंट अनीस कायम खानी ने कहा था आप फारूक भाई रिज़ाइन दीजिए और हम आपके साथ इलेक्शन के लिए मैं आने के लिए तैयार हैं, तो हम तो इन ब्लॉक कहते हैं आप सब रिज़ाइन दीजिए, पाक से जमीन पार्टी आपके सामने इलेक्शन में खड़ी होगी। एक बात, अब चूँकि आप खुद किसी बुराई का इर्तकाब कर चुके हैं और आप दूसरे से कहना वो बुराई छोड़ दें, ठीक है हमने तो अपना रिज़ाइन जमा करवाया है, लेकिन चूँकि हमें शहर को भी देखना है, इस शहर का मेयर आज भी हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है, मीडिया अभी आप हैदराबाद के मेयर की वीडियो क्लिप एक्सप्रेस टीवी ने दिखाई है कि मेयर के ऊपर उसके हाउस के अराकीन उसकी जमात के लोग इस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और यही सारी सूरत हाल कराची के अंदर भी है। अब इस सूरत हाल के हम कराची को लावारिस तो नहीं छोड़ेंगे, अगर अच्छे लोग हमारे पास आना चाहते हैं और शहर के इंटरेस्ट में लोगों की मुश्किलात से दूर करने के लिए वो ये कहते हैं कि आप हाउस के अंदर तब्दीली लेकर आएँ, तो हम इस इशू को क्यों इस ऑप्शन को क्यों ना यूज़ करें, इस तमाम सूरत हाल का हम जायज़ा ले रहे हैं और हम कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे। ये शहर बहुत तकलीफ़ में है, हमारी वजह से मजीद कोई तकलीफ आए, लेकिन अगर कोई बेहतर ऑप्शन क्रिएट होगा हम यकीन उसको अडॉप्ट करेंगे। सही, अब ये इस शहर के सिर्फ ये शहर ही तकलीफ में नहीं है, शहर के लोग शहर से लोगों से ये शहर, तो कल फारूक सत्तार साहब लोगों को जमा करने जा रहे हैं और एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस तो उनकी बड़ी ज्यादा हैं, आप लोग क्या समझते हैं कितनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं वो कल के इस जलसे में? देखिए मैं तो फारूक भाई की किसी बात को सीरियस लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो या तो लतीफे सुनाते हैं या कुछ उल्टे सीधे अशआर सुनाते हैं। फारूक भाई के हर प्रोग्राम से पहले इसी तरह की लंतरानी होती है, कल जो है ना लोगों का अजदाम होगा, पूरा शहर उमंड आएगा, तिल भरने की जगह, और मुश्किल से कुछ हजार लोगों का होने चाहिए, ठीक है, दुनिया में ऐसा नहीं होता कि कोई जमात बिल्कुल वाइट वॉश हो जाए, कुछ ना कुछ लोग रहते हैं, इतने जमात इस्लामी के पास भी शहर में इतने MKM के पास रहने चाहिए ताकि पता चले कि भाई ये शहर की जमात थी जिसने डिलीवर नहीं किया, लोगों को धोखा दिया, या अब ये निशान इबरत के तौर पर शहर में घूमे बिल्कुल निकालने चले। चलें ये कल पता चल जाएगा। वापस मैं दुबई पर आ जाऊँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब दुबई में हैं, क्या उनकी वापसी पर कोई खबर आ सकती है सामने? बिल्कुल आएगी, मजीद विकटें गिरेंगी, दूसरी खबर नहीं, मजीद मैंने कहा सिर्फ विकटें गिरने की खबर आएगी या कोई और एक्सपेक्टेशन है? मैंने कहा कि वो आएंगे तो किसी कोई प्लान है, कोई स्ट्रेटजी है? दुबई में मैं नहीं समझता कोई काम के लोग बैठे हुए हूँ, सब फारिग लोग हैं, और जो बकवास सब क्या कर रहे हैं वो अपनी फैमिली से, उनका पर्सनल ट्रिप है, निजी दौरा है, कोई इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना क्योंकि हम जिस दिन टैक्स लग जाएगा बातें करने पर, लेकिन आपने ये भी कहा कि जब वो वापस आएंगे तो खबर आएगी विकटें गिरेंगी, यहाँ विकटें गिरने की तैयारी भी वहाँ पर हो रही है? नहीं नहीं, यहाँ पर वहाँ क्यों करेंगे, वो तो मैंने कहा ना फैमिली ट्रिप है, पर्सनल ट्रिप है, वो कुछ नहीं है, वो जो सियासत हमारी सिर्फ पाकिस्तान में होगी, हम जो भी कुछ करेंगे पाकिस्तान में करेंगे, पाकिस्तान से बाहर कुछ नहीं करेंगे, ना किसी के पाकिस्तान से बाहर किसी की बात मानेंगे। जो लोग पाकिस्तान से बाहर दुबई में बैठे हुए हैं, मैं आपके तवज्जो से उनको भी मशवरा देना चाहता हूँ कि बहुत थक गए हैं, काम कर लिया 14-15 साल, आराम कीजिए, बस अब इस शहर की जान छोड़िए, इस शहर के लोगों को आपने बड़ी तकलीफें दी हैं, बेहतर ये कि जो कुछ बची कुछ इज्जत है उसको संभाल के रखिए। ये जो आप विकटें गिरा रहे हैं, ये अगर कुछ नाम अगर सामने आप ले आए कि कोई बड़ी विकटें गिरने वाली हैं, छोटी विकटें हैं, ये बता दें, मुझे पता है आप नहीं बताएंगे। वैसे तो देखिए फारूक भाई के पास पिच भी नहीं बची अब तो, जिसमें वो खेला करते थे, तब तो मैंने कहा ना कि वो बेचारे जो जमा पूंजी है उनकी आहिस्ता आहिस्ता वो भी निकल रही है, कुछ बचा नहीं उनके पास, कुछ लोग जरूर हम चाहेंगे उन्हीं के पास रहें, क्योंकि लेकिन फारूक भाई को एक छोटा सा कमेंट, आप इतनी तनकीद की है फारूक सत्तार साहब पर, तो एक छोटा सा कमेंट मुझे ये दीजिए कि आप अवाम के पास जाएंगे इलेक्शन में तो वोट किस बुनियाद पर लेंगे? मुस्तफ़ा कमाल का माजी, मुस्तफ़ा कमाल जब इस शहर का मेयर था उसने इस शहर को की बिला इम्तियाज खिदमत की है, ये देखे बगैर के उसकी जबान, उसका मसलक, उसका मजहब क्या है। लेकिन उस वक्त अल्ताफ हुसैन की सरबराही में मैंने बात कर ली,
मुस्तफ़ा कमाल उस वक्त का मेयर था, उस वक्त सूबे की पूरी गवर्नमेंट एमक्यूएम के पास थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सब हमारा जो प्राइड है वो हमारा लीडर है। बदतरीन लोग भी उस पर आज ये इल्जाम नहीं लगा सकते कि ये करप्ट था, यानी पर्सनालिटी की बुनियाद पर होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम आफ्ताब साहब, पीएसपी के रहनुमा हमारे हमराह थे, और पीएसपी की जो स्ट्रेटजी है उसको लेकर हमने बड़ी तफसीलन इनसे बात की आज के प्रोग्राम से। अब इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है।